हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। हम लोग अपना चैप्टर द चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है और आज इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा कि कैसे स्प्लिट इन द कांग्रेस होता है, इट मीन्स किन रीजंस की वजह से कांग्रेस के अंदर स्प्लिट होता है, और फिर हमने देखा कि कैसे 1969 का जो इलेक्शन था, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, उसके बाद ये जो पूरा स्प्लिट था कांग्रेस पार्टी का, ये एकदम ऑफिशियली बाहर आ गया था। इट मींस इसको क्या है कि पूरा स्टेटस मिल गया था कि नाउ स्प्लिट हैज बीन हैपेंड। अब इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को, या फिर हम कहें जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी, इसको सपोर्ट मिला कुछ ऐसी पार्टीज का जिनका आइडियोलॉजिकली जो टिल्ट था, वो टिल्टनेस थी हम देखेंगे, वो थी सोशलिस्ट वैल्यूज की तरफ से। इसका मतलब ऐसी पार्टी जो कि यहाँ पर पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को सपोर्ट करती थी, ऐसी ही कुछ पार्टीज का इनको सपोर्ट मिला, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर डीएमके, जिसके बारे में हमने पढ़ा अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। और इन्हीं पार्टीज के सपोर्ट की वजह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आगे चली। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट अब दूसरी पार्टीज पर डिपेंड कर रही थी, तो हमने पिछले लेक्चर में अपने क्या देखा था कि इंदिरा गांधी के सामने दो क्वेश्चंस थे। पहला क्या था कि वो कैसे जो यहाँ पर टॉप लीडरशिप है या जो सिंडिकेट है उससे ये डील करें। तो सिंडिकेट वाला क्वेश्चन तो क्या था, वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद खत्म हो गया था। बट नाउ व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ कांग्रेस पार्टी, इट मींस जो कांग्रेस पार्टी का स्टेटस या स्टेचर जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर था, उसको कैसे रिस्टोर करें, या फिर उसको कैसे हम वापस हासिल करके लाएं। तो यही पूरा हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा डिस्कशन का आज अपने इस लेक्चर पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इंदिरा गांधी एज यूजुअल अपनी जो उनकी पॉलिसीज थी उसको कंटिन्यू करेंगी। कैसी पॉलिसी? सोशलिस्ट क्रेडेंशियल वाली पॉलिसीज, मतलब ऐसी पॉलिसी जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, जो कि पुअर मासेस को सपोर्ट कर रही थी, जो कि डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर कास्ट की हायरार्की में जो लोअर कास्ट है, ऐसे लोगों को जो भी पॉलिसीज सपोर्ट कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल लैंड सीलिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका इनकम की सीलिंग हो गया, या फिर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो ये सारी पॉलिसीज को ये कंटिन्यू करेंगी आगे। और इसी के साथ इन्हें क्या होगा, अब जब ये सिंडिकेट वाला इशू सॉल्व हो गया और इनकी डिपेंडेंस तो बनी थी दूसरी पार्टी के ऊपर, तो इसे इन्हें ओवरकम करना था। तो इसे ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। इट मीन्स जो इन्होंने नया अपना एक वोट बैंक बनाया था उसे इन्होंने कंटिन्यू रखा। साथ ही में इन्होंने अनाउंस करवा दिए अर्ली इलेक्शंस। ठीक है, तो ये अर्ली इलेक्शंस कब हो गए, 1971 फरवरी में हमारे कंट्री ने फिफ्थ जनरल इलेक्शन देखे लोकसभा के। ठीक है, अब इस फिफ्थ जनरल इलेक्शन में या फिर 1971 के जो इलेक्शन थे, इसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, ये आप लोग गेस कर सकते हो इजिली। तो क्या है वो कॉम्बिनेशंस रहे होंगे कि स्प्लिट हो चुका था, तो इसका मतलब एक फ्रैक्शन रहा होगा इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस का, और दूसरा फ्रैक्शन रहा होगा जो सिंडिकेट की कांग्रेस थी उसका। साथ ही में क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो अभी तक पार्टीज अपोजिशन में थी ना, जैसे कि एसएसपी या पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, इन सभी पार्टीज ने क्या किया, जो सिंडिकेट वाला फैक्शन था कांग्रेस पार्टी का, उसके साथ अलायंस कर लिया। इट मीन्स एक तरफ होंगी इंदिरा गांधी, साथ में इनकी कुछ ऐसी पार्टी सीपीआई, डीएमके जैसी पार्टीज जो कि सोशलिस्ट आउटलुक रखती हैं, और दूसरी तरफ कौन होंगे, सिंडिकेट प्लस अपोजिशन पार्टीज। तो ये था यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर इस इलेक्शन का। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी तक इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी थी, इंडिया की पॉलिटिक्स सिंस प्री इंडिपेंडेंस एरा ऐसी थी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी को डेवलप किया गया था। डेवलप कैसे किया गया था, ग्रास रूट लेवल से। इट मींस कांग्रेस पार्टी के पास अपना एक ग्रास रूट लेवल पर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके अपने लोग थे जो कि बहुत ही विलेज लेवल तक वर्क कर रहे थे। बट ये जो लोग, ये पूरा कांग्रेस पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप लोग खुद गेस कीजिए किसके साथ गए होंगे। ऑफ कोर्स ये कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सिंडिकेट वाला पोर्शन था, उसके साथ गए होंगे। तो आउटलुक क्या था यहाँ पर एनालिस्ट का कि इंदिरा गांधी इस इलेक्शन में शायद ना जीत पाए, और क्योंकि सिंडिकेट के पास दूसरी अपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट भी था, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही थी। ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो पूरा इलेक्शन था, या फिर हम कहें जो इंदिरा गांधी का यहाँ पर सेक्शन था, ये अभी तक जैसी पॉलिटिक्स इंडिया में होती आ रही थी, ये बिल्कुल उसके अपोजिट था।
अभी तक कैसी पॉलिटिक्स होती आ रही थी? अभी तक की पॉलिटिक्स थी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, वहां पर कोई एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं हुआ करता था। साथ ही में कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या था, डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस थे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मांगने वाले लोग थे, ठीक है, डिफरेंट व्यूज को रखने वाले लोग थे, और सभी की यहाँ पर क्या है, रिस्पेक्ट की जाती थी। इट मीन्स अभी तक की पॉलिटिक्स जो हो रही थी वो कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। बट इंदिरा गांधी के जब ये पूरा स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, ये पॉलिटिक्स हो गई एक सिंगल लेडी या फिर कहें एक सिंगल पर्सन वर्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। तो इसमें लोगों, एनालिस्ट का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन की जीत होगी क्योंकि उनके पास ज्यादा कार्यकर्ता और वो सारी चीजें होंगी। बट अपोजिट टू दैट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अब देखिए सभी के कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके पास क्या थे, अपने पूरे लोग थे, सारा उनका ग्रास रूट लेवल पर था। बट इंदिरा गांधी जी के पास क्या था, इनके पास एक पॉजिटिव कैंपेन कैंपेन था, एक पॉजिटिव स्लोगन था, वो क्या था, गरीबी हटाओ का। इनके पास अपना एक एजेंडा था। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास अपना एक एजेंडा है, इट मीन्स हमारा खुद का एक एम है जो कि है गरीबी हटाओ, रिमूव दी पॉवर्टी। और इन्होंने क्या एक्यूजेशन लगाए कि जो अपोजिशन है इनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, वो है यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को हटाओ। इट मीन्स इन्होंने यहाँ पर परम्यूटेशन क्या बना दी है कि इंदिरा गांधी जी गरीबी को हटाना चाहती हैं और अपोजिशन इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिशन है ये कहीं ना कहीं गरीबों के अगेंस्ट है, ये इन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड किया, ठीक है। तो इस पूरे परसेप्शन के ऊपर, इस एंटी पॉवर्टी और प्रो पॉवर्टी के यहाँ पर परसेप्शन के ऊपर ये पूरे इलेक्शन होते हैं। और अगेन उस समय ज्यादातर पॉपुलेशन कैसी थी हमारी, वो पॉवर्टी में जी रही थी। तो किसके पास जरा मास होगा, किसके पास जरा सपोर्ट होगा, वो जाएगा इंदिरा गांधी जी के पास, ठीक है। अब इनको ये मास सपोर्ट मिलने के पीछे कुछ रीजंस भी रहे होंगे, जैसे कि इन्होंने फोकस किया था पब्लिक सेक्टर पर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पर जो यहाँ पर कंपनीज होंगी। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, ठीक है, ऐसे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी यहाँ पर जो कि उतने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से आप कहो तो नीडेड नहीं होंगे। इट मींस जो यहाँ पर गरीब लोग होंगे, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको इससे बेनिफिट होगा। साथ ही में यहाँ पर क्या है, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग इन्होंने कर दी लैंड होल्डिंग्स पर, अगेन सोशलिस्ट पॉलिसी, अर्बन प्रॉपर्टी पर लैंड सीलिंग, अगेन एक सोशलिस्ट पॉलिसी। देन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स कुछ लोग को तो बहुत ज्यादा मिल रही है इनकम, कुछ को बहुत कम मिल रही है, कुछ को अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। तो इन्होंने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की, या फिर यह इनका इनका एक एजेंडा था या इनका एक एम था। साथ ही में क्या है, प्रिंसली जो उन्होंने प्रीवी पर्स की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसको उन्होंने एबॉलिश करने की बात की। तो ये सारे जो यहाँ पर थे ना, ये पॉजिटिव कैंपेन थे। इट मीन्स ये एक आपको डायरेक्शन दे रहे थे, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे थे, वाइल जो अपोजिट्स थे उनके पास कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्हें किसका सपोर्ट मिला, लैंडलेस लेबरर्स का मिला, दलित्स का मिला, आदिवासीज का, माइनॉरिटीज का, वुमेन का और अनएम्प्लॉयड यूथ का। इसका मतलब एक लार्ज चंक ऑफ द सोसाइटी का इनको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। और इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के स्लोगन के साथ इस पूरे इलेक्शन में उतरती हैं। रिजल्ट क्या होता है, बहुत ही यूजुअल आंसर होगा इसका, कि ये जीत जाती हैं। और ये जो इनकी यहाँ पर जीत थी, ठीक है, जो इनकी विक्ट्री थी, ये बहुत ही यहाँ पर क्या है आप, मैग्निफिसेंट थी। इनको 48.4% वोट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर कांग्रेस पार्टी अकेले की आप बात करो तो 44% वोट। ये 48.4% वोट्स मतलब क्या है, इनके साथ जो सीपीआई वगैरह पार्टी थी उनको अगर आप जोड़ दें तो, ठीक है। बट अलोन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो 44% वोट्स इनको यहाँ पर मिले और 352 सीट्स पर इनकी विक्ट्री हुई। अपोजिशन का क्या हाल था, बहुत बुरा था, इनकी पूरी कंबाइंड सीट्स यहाँ पर 40 के अराउंड थी। तो यहाँ पर दिखाया यह गया कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने पूरी कंट्री को, पॉलिटिक्स को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया, पूरी कंट्री की पावर को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। अब ये आप बताइए, क्वेश्चन है कि अगर किसी एक लीडर के नाम के अराउंड किसी इलेक्शन को लड़ा जाएगा और वो लीडर बहुत ही अच्छी विक्ट्री के साथ आएगा, तो कहीं ना कहीं उस लीडर के हाथ में पावर बहुत ज़रा कंसेंट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बहुत ही पॉपुलर सा स्टेटमेंट है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मतलब कि जब एक लीडर, एक इंसान के हाथ में पावर बहुत ज़रा कंसेंट्रेट हो जाएगी तो उसके पास क्या आ जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, ठीक है। और
कोई भी एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और पावर के साथ बहुत सारी इश्यूज ऐसे भी डेवलप हो जाते हैं विद द टाइम। अब ये तो यहाँ पर इनको मासेस का सपोर्ट मिला, उसके बाद देखिए क्या होता है। हमने पहले पढ़ा प्रीवियस अपने यहाँ पर चैप्टर्स में कि कैसे यहाँ पर बांग्लादेश का यहाँ पर वॉर होता है, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का इशू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट करा दिया। इसके बाद ये किसकी लीडरशिप में हुआ, ये हुआ इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में। तो इससे क्या हुआ ना, इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, साथ ही में जो अपोजिशन था उसने भी एडमायर किया इनकी स्टेट्समैनशिप को। उन्होंने भी बोला कि नहीं, एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, आयरन लेडी, वहां से इनका नाम निकल करके आता है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि 1972 में जो स्टेट असेंबली में इलेक्शंस होंगे ना, वहां पर इनको बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्या होगी, एक विक्ट्री मिलेगी। साथ ही में इनकी एक आइडेंटिटी कैसी होगी बन करके आएगी, एक ऐसा सोशलिस्ट लीडर जो कि अपने मासेस के बारे में केयर करता है, साथ ही में जो कि एक इतना स्ट्रांग लीडर है कि वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है, दूसरी कंट्रीज को लिबरेट करा सकता है। तो इनकी एक नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही आइडेंटिटी यहाँ पर निकल करके आती है। इट मीन्स इनको काफी एक और भी ज्यादा बड़ा चंक का सपोर्ट मिला वाया दी स्टेट असेंबली इलेक्शंस विच वर हेल्ड इन 1972 इलेक्शन। अब इसके साथ दो चीजें होंगी, सिंडिकेट खत्म हो चुका पहले ही, और अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने इसी के साथ, जो कांग्रेस पार्टी की एक प्रीवियस टीचर थी इन द कंट्री स्टेट इलेक्शंस में और नेशन के इलेक्शन में, इसको उन्होंने रेस्टोर कर दिया, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर मोटिव था पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या आगे इसके, अब ये रेस्टोरेशन तो हो गया, ये रेस्टोरेशन तो हो गया, बट एक क्वेश्चन था, क्या ये कांग्रेस सिस्टम का भी रेस्टोरेशन था? देखिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सिस्टम के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी एक मियरली ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप ये देखें कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर विक्ट्री की, तो ये हम कह सकते हैं हाँ, इंदिरा गांधी जी की विक्ट्री के साथ कांग्रेस पार्टी का रेस्टोरेशन हो गया। बट कांग्रेस सिस्टम एक डिफरेंट चीज है। इसमें क्या है, इस ये एक ऐसी आइडियोलॉजी आप कह लें, या फिर कहें ये एक ऐसा सेटअप था पूरा, इसको सेटअप कहना ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस सिस्टम एक ऐसा सेटअप था जहां पर डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग क्या होंगे, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर रहेंगे, जहां पर डिफरेंट थॉट प्रोसेस रखने वाले लोगों को आप जगह देंगे, उनकी बात को सुना जाएगा। इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि अगर रूलर एक्स आइडियोलॉजी का है और उनकी पार्टी में, तो उनकी पार्टी में वाई आइडियोलॉजी के लोगों की जगह नहीं होगी, ठीक है। कांग्रेस सिस्टम क्या बोलता था कि एक्स आइडियोलॉजी हो या वाई आइडियोलॉजी हो, सबकी यहाँ पर रिस्पेक्ट होगी, सबकी प्लेस होगी इस पार्टी के अंदर। बट इंदिरा गांधी जी के अंदर आने के बाद क्या होगा, ये आइडियोलॉजी, ये सेटअप, ये पूरा इंस्टीट्यूशन कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, मतलब होगा एक फेस से, वो होगा इंदिरा गांधी जी का फेस। तो कांग्रेस सिस्टम का रेस्टोरेशन यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने पूरी पार्टी को री इन्वेंट कर दिया। कैसे री इन्वेंट किया, पहले तो स्प्लिट की वजह से, और दूसरा जो कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड थी वो कन्वर्ट हो गई एक फेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, फेस बेस्ड पार्टी पर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, काफी सारी चीजें निकल करके आएंगी। कैसी चीज निकल करके आएंगी कि अब यहाँ पर सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि यहाँ पर पहले पार्टी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब जो लीडर बोलेगा वही फाइनल है। पहले डिलीवरेशंस होते थे, डिबेट्स होती थी, सभी आइडियोलॉजीज के थॉट्स को सुना जाता था, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं कम होगी। और जब ये चीजें कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी वीक हो जाएगा। साथ ही में क्या है, जो पहले पार्टी के अंदर फैक्शंस थे डिफरेंट आइडियोलॉजीज और थॉट प्रोसेस वाले, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि पहले कांग्रेस पार्टी की ये यूएसपी थी, या फिर कहें कांग्रेस सिस्टम की यूएसपी थी, कि वो डिफरेंट ओपिनियंस और इंटरेस्ट या थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजीज को रिस्पेक्ट करते थे और उसको एकोमोडेट करते थे पॉलिसी मेकिंग पे। वो सारी चीजें अब नहीं होंगी। अब इसके अपोजिट में क्या हो रहा है, इनका अपना एक वोट बैंक बन गया है। वो क्या है, पुअर वुमेन, दलित, आइडियोल आदिवासी से माइनॉरिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर कि इंदिरा गांधी जी की एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी आ जाएगी, और ये कहीं ना कहीं जब अथॉरिटी बहुत ज़्यादा श्रैंक कर जाती है ना, हमने यहाँ पर क्या देखा कि ओपिनियन इंटरेस्ट अब मैटर नहीं कर रहे हैं, ये एकोमोडेट नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, और क्योंकि पार्टी ही रूल कर रही है नेशन में, तो ये कहीं ना कहीं नेशन की जो डेमोक्रेसी है उसको भी अफेक्ट करेगी, ठीक है।
तो क्या होगा, जो एक्सप्रेशन होगा पीपल के एस्पिरेशंस का, उनके थॉट्स का, वो कहीं ना कहीं श्रैंक करेगा, वो सिकुड़ करके उसका एरिया छोटा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, जब आप लोगों के थॉट्स को नहीं सुनोगे, उनको अकोमोडेट नहीं करोगे, डिफरेंट आप आइडियोलॉजीज को अकोमोडेट नहीं करोगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, अनरेस्ट क्रिएट करेंगी। ठीक है, मोबिलाइजेशन होगा इन्हीं इश्यूज के अराउंड जिनको सुना नहीं जाएगा। ठीक है, साथ ही में क्या होगा, एक पॉलिटिकल क्राइसिस निकल करके आएगा, और वो हमारी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री की, उसको वो इफेक्ट करेगा। तो हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में इसका क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे थ्रेटन हुई, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। आई होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।